नमस्कार जी दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे फिर से नए वीडियो पे। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी देने वाला हूँ कि देखिए व्यंजन वगैरह में किस प्रकार इसमें सरगम होता है, कोमल स्वर, शुद्ध स्वर, तीव्र स्वर किस टाइप का होता है, प्रत्येक बटन से हम सरगम किस प्रकार बजा सकते हैं। और देखिए मेरे पिछले और भी वीडियो मैं तो बना के डाला हूँ मेरे चैनल पे, उसमें सरगम उसमें सिर्फ शुद्ध स्वर बस बताया था मैं, तो आज मैं इसमें कोमल स्वर, तीव्र स्वर सभी बताऊंगा और प्रत्येक जगह से हम सरगम किस प्रकार बजा सकते हैं इसको भी बताऊंगा। तो इसके लिए दोस्तों जो हमारे वीडियो को नए देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि जब भी ऐसा जानकारी लाऊं आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले एक बार आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ से अपन सामान के चलेंगे या फिर यहाँ से सामान के, चलिए यहीं से बताता हूँ, अपन कोई से जगह से भी सामान के क्या है मेंजो इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा अलग रहता है, तो जनरली यहाँ से सामान के ताकि इधर भी प वगैरह बहुत सारा गाना जाता है तो या ओपन तार में प स्वर रहता है इसमें, ये भी जानकारी पूरा बाद में बताऊँगा। पहले तो इसमें सरगम बता देता हूँ कि हम शुरुआत में इसका इसमें स्वर किस प्रकार से रहते हैं, है ना, किस क्रम में रहते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं पहले, ठीक है, पहले शुद्ध स्वर बताता हूँ, फिर कोमल स्वर, फिर तीव्र स्वर, और उसके बाद इसको समझाऊँगा पूरा, है ना, किस प्रकार रहते हैं। ठीक है, जो ऐसा ले रहा हूँ ये तार सप्तक का है, ठीक है, और इधर मन सप्तक, ठीक है, तीन सप्तक होते हैं, इसके बारे में मैं तो जानकारी दे दी हूँ मेरे पिछले वीडियो में, और देख सकते हैं कि सप्तक स्केल क्या होता है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए आपको लिख के बताता हूँ मैं एक बार। चलिए दोस्तों इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, इसको देखिए आपको बताना चाहूँगा, संगीत में कुल 12 स्वर होते हैं, ठीक है, इसमें तो 12 स्वर में से 7 स्वर शुद्ध, ठीक है, 7 स्वर शुद्ध होते हैं, 4 स्वर कोमल स्वर, कोमल स्वर, ठीक है, और 1 स्वर तीव्र स्वर होते हैं, ठीक है, 7, 4, 11 और 1, 12। अब इसको हम किस प्रकार समझ सकते हैं कि ये शुद्ध स्वर कहाँ पे रहते हैं, कोमल स्वर कहाँ पे रहते हैं, तीव्र स्वर कहाँ पे रहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको देखिए मैं गिनती लिखता हूँ 12 तक, ठीक है, कुल टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, ठीक है, तो गिनती के हिसाब से समझने का प्रयास कर दो इसको। तो सबसे पहले रहेगा एक नंबर पे सा, दो नंबर पे, ठीक है, कोमल रे, कोमल रे के नीचे ऐसे नीचे लाइन खींचे रहता है, ठीक है, ये हो गया कोमल रे, ये हो गया शुद्ध रे, शुद्ध रे इसमें कुछ लाइन वगैरह कुछ नहीं रहता, ठीक है, और ये हो गया 4 नंबर पे कोमल का, इसमें भी वैसी नीचे, ठीक है, लाइन की जाएगा, ये हो गया गा, 6 नंबर पे मा, 7 नंबर पे तीब्रमा, तीब्रमा पे इसे ऊपर लगी खींच रहता है या फिर साइड से, है ना, दो बार मा हो गया, उसके बाद 8 नंबर पे पा हो गया, और ये हो गया कोमल धा 9 नंबर पे, 10 नंबर पे शुद्ध धा, 11 नंबर पे
कोमलनी और 12 नंबर पे सूपधनी, ठीक है। तो इसी क्रम में रहेगा, अपन कोई सा भी बटन से, चाहे ये बटन से अपन सा मान के चले, चाहे ये बटन से मान के चले, अपन को कुल टोटल 12 स्वर, देख लीजिए एक बार, देख स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो इसी प्रकार रहेगा स्वर का क्रम। तो चलिए इसको व्यंजनों में देखते हैं किस प्रकार है। तो देखिए, अगर यहाँ से सामान के चलते हैं, ठीक है, यहाँ से सामान के चलते हैं, तो कुल टोटल 12 गिनेंगे पहले। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ठीक है। तो इसमें पहले मैं बताया हूँ ना आपको, देखिए इसमें देखिए, एक नंबर पे हो गया अपना सा, ये हो गया कोमर रे सूद धरे, ठीक है, और कोमल का हो गया ये, ठीक है, चार नंबर पे, पांच नंबर पे ग शुद्ध ग, छः नंबर पे माँ शुद्ध माँ, ये तीव्र माँ हो गया, प हो गया आठ नंबर पे, नौ नंबर पे कोमल था, दस नंबर पे शुद्ध था, नी कोमल नी ग्यारह नंबर पे, बारह नंबर पे शुद्ध नी, ठीक है। इसी प्रकार प्रत्येक जगह से अपन यहाँ से भी मान के चलेंगे, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, तो यहाँ से तो प्रत्येक जगह से यही क्रम रहेगा। आप एक से लेकर 12 तक गिन लीजिएगा, और सेम जहाँ से एक नंबर से मानेंगे, एक नंबर से सा मानेंगे, वैसे से आपको बाकी जगह से सर को आप ढूंढ सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है दोस्तों। तो शुरू में यहीं से अपन सामान के सीखते हैं, ताकि अपन इधर को भी और भी स्वर मिल जाता है, पर करेंगे अगर यहाँ से करेंगे तो गाना बजाने के लिए थोड़ा सा आसानी रहता है, और बहुत सारा गाना इधर आता है तो अपन को स्वर नहीं मिलता, तो यहाँ से भी मान के बजा सकते हैं, यहाँ से भी मान के बजा सकते हैं, यहाँ से भी बजा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसका अभ्यास किस प्रकार करना है, अपने उंगलियों का अभ्यास किस प्रकार करना है, इसके लिए दोस्तों मैं दो तीन अलंकार मैं बताया हूँ अपने पिछले वीडियो में, और भी मैं अलंकार और भी बताऊंगा कि इस प्रकार अपने उंगलियों की इसमें बहुत ही आसानी से चला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर जानकारी कैसा लगा यार, बढ़िया लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और फिर मिलेंगे ऐसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत।